क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइट जीरो पॉइंट जीरो फाइव ठीक है हमें जो है हाफ लाइफ पीरियड मालूम करना है गिवन रिएक्शन का और गिवन रिएक्शन कौन सा है uh, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है जिसकी इनिशियल कंसनट्रेशन क्या है जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोलरिटी ठीक है अच्छा जी उसके बाद अगर मैं बात करूँ द वैल्यू ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट के रेट कॉन्स्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसकी वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो सेवन नाइन डेसीमीटर क्यूब इनवर्स सेकेंड इनवर्स ठीक है मेरे पास जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपके सामने सवाल के अंदर गिवन है और इस टेम्परेचर 508 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ठीक है अब मेरे पास रेट एक्सप्रेशन जो बन रहा है वो रेट एक्सप्रेशन क्या बन रहा है आपके सामने सवाल के अंदर ये भी गिवन है क्या बन रहा है आपके पास आर रेट इज इक्वल्स टू के हाइड्रोजन आयोडाइट के मतलब जो है कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट uh, और हाइड्रोजन आयोडाइट का स्क्वायर

ठीक है सवाल अगर आपको जो दिया है उसके एस्पेक्ट्स अगर आप देखें तो आपके पास वॉट ये आपकी इक्वेशन जो ऊपर गिवन थी उसके एस्पेक्ट से मैंने जो है क्या एज्यूम किया है और क्या मुझे समझ में आया इट इज क्लियर फ्रॉम द बैलेंसिंग इक्वेशन एंड यूनिट के इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मुझे ऊपर वाले रिएक्शन ने ये बात साबित कर दी जो मेरे पास को क्या आया था रेट कॉन्स्टेंट आया था ठीक है रेट बराबर किसके था रेट बराबर था मेरे पास वॉट के और कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इसका स्क्वायर ठीक है ये बात जो है इस रेट ने मुझे एक्सप्रेस कर दिया ये बात कि मेरे पास क्या है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है अब अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका हाफ़ लाइफ एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा मेरे पास हाफ लाइफ एक्सप्रेशन को टी हाफ से शो करते हैं और ये बराबर होगा मेरे पास वन अपाउ के ए ठीक है ये मेरे पास इसका हाफ लाइफ एक्सप्रेशन होगा ठीक है तो हमने जो है हाफ लाइफ एक्सप्रेशन से इसको शो कर दिया अब हम क्या करने सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर इस रेडी अब देखें जो मैं हाफ लाइफ का जो मेरे पास फॉर्मूला बन रहा था वन अपॉन के ए ठीक है तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगा ठीक है और वैल्यूज पुट करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो वा आएगा वाट टू वा फिफ्टी थ्री सेकेंड ठीक है अब जरा ये देख लीजिए यहाँ पे यूनिट कैंसिल कैसे होगी देखें भाई ये मोल इनवर्स से मोल गया डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब इन्वर्स किया ठीक है तो मेरे पास क्या बचा सेकंड इन्वर्स बचा सेकंड इन्वर्स याद रखिएगा कि इसमें आपके पास डिनोमिनेटर में जब मैं इसको नॉमिनेटर में लेके जाऊंगा ठीक है तो आपको पता है जब भी कोई चीज़ नामिनेटर से डिनोमिनेटर में लेकर आएं या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लेके जाएँ उसकी पार क्या होती है वो पलट देते हैं ठीक है थीके? तो इसको जब मैं इसका अपोजिट लिखूंगा तो जाहिर सी बात तो प्लस होगा और प्लस होगा तो प्लस लिखते नहीं है या वन भी नहीं लिखते हैं ठीक है तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा और आपको पता टाइम की यूनिट क्या है सेकंड है तो मेरे पास क्या है टी आ गया सो इन टू फिफ्टी थ्री सेकेंड हाफ ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्राइटेड इन टू द प्रोडक्ट इसका मतलब ये है कि मेरे पास इतने टाइम में क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्राइड uh, जो है मेरे पास हाफ जो है प्रोडक्ट एज अ फॉर्म जो है मुझे हासिल हो जाएगी ठीक है ये हमारे पास आंसर